अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज है जीबीओबी का लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम सीखेंगे गूगल से आपने किस तरह से क्लाइंट्स लेने होंगे। ये तरीकाकार थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन इस तरीकाकार से ही लोग मोस्टली बड़े बड़े क्लाइंट्स लेके आते हैं, जो कि आपको बहुत सारे पैसे देंगे कल को। एक एक क्लाइंट जो आपके पास लैंड करता है मोस्टली, वो इतने पैसे लेके देता है आपको, इतने बड़ा प्रोजेक्ट देता है आपको कि आपको शायद एक एक माह लग जाए क्लाइंट लेके आने में, लेकिन आपको इसका खातरखा फायदा पहुंचता है। इस तरह से सर्वाइवल आपका मुमकिन होता है। आप एजेंसी बिल्ड करते हैं और बाकी उन पर रिलाई करते हैं। इस टेक्निक पे आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ मिलके इस पूरे जीबीओबी के कारोबार को बड़ा करते हैं। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि आपने अगर काम करना हो गूगल के साथ, गूगल के थ्रू आपने क्लाइंट सर्च करने हो तो किस तरह सर्च करते हैं। सबसे पहली बात जो आप देखिए कि आपकी रेंज में कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन से लोग हैं जिनको आप सर्च करें गूगल में, तो वो उनको पोटेंशियली आपकी सर्विस की जरूरत पेश आती होगी। सबसे पहली चीज़ जो इसमें है वो है एफिलिएट मार्केटर्स। एफिलिएट मार्केटर्स वो लोग होते हैं जो किसी और की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, प्रमोट करके वो फिर वहाँ से पैसे कमाते हैं। और लिटरली देखिएगा, यहाँ पे गूगल में जब सर्च करते हैं आप, अगर आपका पेज या आपके क्लाइंट का पेज यहाँ पे रैंक कर जाए तो उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। लिहाजा एफिलिएट मार्केटर जो हैं, जो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, ये अच्छी खासी मालदार असामियाँ होती हैं। और मालदार असामी जो हैं आपकी रेंज में आती हैं कि आप उनके साथ डील करें, और अगर आपने चंद एक क्लाइंट्स भी पकड़ लिए, आपकी इंशाल्लाह ज़िंदगी बेटर होना शुरू हो जाएगी। एक तो एफिलिएट मार्केटर्स हैं, और दूसरी बात ऐसी एजेंसीज जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला काम करती हों। आप देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि आपने जो एफिलिएट मार्केटर्स हैं इनको आपने सर्च करना हो तो कैसे। अगर आप गूगल पे इस तरह से कोई कीवर्ड्स लिखें, बेस्ट सीबीडी ऑयल फॉर लिवर डैमेज या कुछ भी, या फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन, फर्ज किया ये वाली चीज़, तो मोस्टली जो एफिलिएट मार्केटर्स हैं इन्होंने जो लिखे होते हैं जो अपने आर्टिकल वगैरह, वो बेस्ट टाइप के होते हैं जो उनको पैसे देते हैं, या फिर वो इस टाइप के होते हैं जो फ्लाप प्रोडक्ट का रिव्यू, जैसे कि हम कहते हैं सीबीडी ऑयल रिव्यू, या हम कहते हैं एप्पल वॉच 4 रिव्यू, तो इस तरह की जो चीज़ें लिखते हैं, इस तरह के मौजूदात पे एफिलिएट मार्केटर्स लिखते हैं, वो यहाँ से लोगों की जेन साजी करके तो पैसे कमाते हैं, इसलिए हम इनको इस तरह से सर्च करेंगे। अब देखिए, फ़र्ज़ किया मैं पिछली अपनी सर्च पर आता हूँ, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें पहले पेज पे मुमकिन है आपको बहुत बड़ी हाई अथॉरिटी साइट्स मिलें जो कि शायद आपको जवाब ना दें। लिहाजा आपको चाहिए पता क्या, यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता साइट्स नोट करना शुरू कर दें, और अपने पास AHRFS टूल में चेक करें उसकी DR कितना है उसका, और उसकी या सेमरश में चेक कर लें उसका AR कितना है, या उसका जो DA कितना है चेक कर लें। जिनका DA कम होगा ऐसी साइट्स बिल्कुल ठीक है, आपकी पोटेंशियल क्लाइंट के जो फ्रेम में फिट होती हैं बिल्कुल ठीक हैं। अब देखिएगा, हमने फ़र्ज किया यहाँ पहले पेज पे मोस्टली वो वेबसाइट्स आती हैं जो वेबसाइट्स अथॉरिटी वाली हैं। अगर आप चलें सेकंड पेज पे, तो यहाँ से इनको नोट करना शुरू करें, जैसे ये साइट्स होंगी WebMD बड़ी हाई अथॉरिटी साइट है, आप DR चेक करेंगे आपको वहाँ से अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। एक छोटा सा रूल जो है वो आप ये देखिएगा कि अगर साइट्स का DR जो है वो 40 से नीचे नीचे है, आप ऐसी साइट का नाम पता नोट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर फ़र्ज किया इसका जो है वो DR हो 40 से कम, तो फिर हम इसको देखते हैं कि क्या कर रहे हैं ये लोग। ये देखें यहाँ पे ना, ये CBD ऑयल को कहीं ना कहीं लिंक लगा के सेल करते होंगे, यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा जब ये लोगों को रिकमेंड करते होंगे। तो खैर, ऐसी जो साइट्स हैं वो गैस पोर्शन लगवाती हैं और वो रैंक करना चाहती हैं, आप इनके कॉन्टैक्टस में जाके इस तरह से इनका नाम पता नोट कर लीजिए। दोस्तों GBOB के फ्री कोर्स के अलावा हमारे इदारे में इसका पेड कोर्स भी होता है, आप चाहें तो दूर बैठे जूम पे ऑनलाइन कोर्स कीजिए, या फिर आप हमारे इदारे में आके फेस टू फेस कोर्स कीजिए। इसका फ़ायदा ये पहुँचेगा कि आप रोज़ाना हमारे पास बैठ के एक घंटा प्रैक्टिस भी करेंगे लेक्चर के साथ साथ। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहें, इसके मतलब मालूम लेना चाहें, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा, आपको हमारी टीम बताएगी आपने किस तरह से ज्वाइन करना है।
कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कॉन्टैक्ट का पेज तो लाजमी बनाती हैं लेकिन अपना नाम पता नहीं लिखती, क्योंकि वो कई लोग उनसे रब्ता करते हैं तो स्पैम ईमेल्स काफ़ी उनको मशहूल होती हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे कहीं क्विक सर्च कर लें एट दी एसाइन से तो क्या मिलता है आप कुछ, ये देखिए यहाँ पे इनका ईमेल एड्रेस लिखा हुआ था। इस तरह से आप भी कंट्रोल एफ करके तो एट दी एसाइन पुट कीजिए, चेक कर लीजिए क्या यहाँ पे कहीं ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, तो इसका ईमेल एड्रेस इसकी साइट इसके डीआर किसी एक्सेल शीट में नोट कर लीजिए। अब देखिए इसी तरह से अगर आप एजेंसीज को सर्च करना चाहें तो फिर आप देखें क्या करते हैं, एजेंसीज कौन सी होती हैं, ऐसी कंपनीज बाहर की कंट्रीज में जो वहां पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देती हैं, जो पीयर करती हैं ऐसी की कंपनीज आपने सर्च करनी होती हैं, उनमें से आपको एक दो कंपनीज अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, उनसे आप डील शील करके काम कर सकते हैं। एक दो कंपनीज मिलने से मुरादी है जिनसे आपकी डील हो जाए। आप ये लेक्चर देखने से पहले याद रखिएगा कि इसमें आपको कई ईमेल्स करनी पड़ती हैं और फिर आपको एक दो क्लाइंट्स मिलते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी जो ना वो बेहतर होना शुरू हो जाती है, आपका जो कारोबार है इससे बेहतर होना शुरू हो जाता है। मैं पूरी स्ट्रेटजी बताऊँगा इसमें किस तरह से आपने ईमेल्स भी लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए अगर हमने सर्च करना हो बेस्ट SEO एजेंसीज इन न्यूयॉर्क, फर्ज किया मैंने ये सर्च किया तो यहाँ पे गूगल मुझे देगी SEO एजेंसीज। अब देखिए ये ऐसी एजेंसीज हैं या कंपनीज हैं जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देती हैं। हमारे केस में हमने जो बड़ा बिजनेस जो हासिल किया था अपनी एजेंसी के लिए वो B2B था। B2B से मुराद होती है कि आप भी एक बिजनेसमैन हैं और कोई और बिजनेसमैन से आपकी डील होती है, वो कहता है मैं आपको फलां फलां काम का जो पार्ट है ये आपको दे दूंगा ताकि आप उसको कर दें, वो इसको इसके लिए बॉदर ना करें। तो इसको हम कहते हैं B2B बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग। तो अगर आप ये देखें इनकी वेबसाइट खोलें तो इनकी वेबसाइट से भी इनका फ़ोन नंबर इनका ईमेल एड्रेस बाकी चीज़ें निकाल लीजिए और अपने पास नोट कर लीजिए कि ये जो एजेंसी है कहाँ पे है, इनका एड्रेस क्या था। तो इनके पास पोटेंशली काफ़ी सारे क्लाइंट्स होंगे, आपका काम है कि आप इनके क्लाइंट्स का काम खुद ले लें, वो आपको काम आउटसोर्स कर दें। ये आपने बाद में देखना है किस तरह से इनको मनाते हैं कि आउटसोर्स कर दें। ये देखें यहाँ पर जाते हैं हम, यहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट अस पे आपको इनका ये नज़र आएगा पेज, और अगर कहीं इनका फ़ोन नंबर हो तो फ़ोन नंबर भी नोट कर लीजिए, शायद आप कॉल कर सकें व्हाट्सअप कर सकें, तो अगर ना कर सकें तो फिर इनका जो कहीं ना कहीं से ईमेल एड्रेस इनका नोट कर लीजिएगा। वैसे ये बात जो बताऊँ आपको मैं कि इसके जो डेटा कलेक्ट करने के लिए हमने बहुत बड़ा डेटाबेस बना कर रखा हुआ है आपके लिए क्लाइंट्स के लिए, लेकिन अभी तक मोस्टली जो दोस्त हैं वो उनको अच्छे अंदाज से आउटरीच नहीं करते। आज के लेक्चर में बताऊंगा अच्छे अंदाज से आउटरीच किस तरह करना है। मैं फ़र्ज़ किया जी बाबर पर जाऊँ, जी बाबर हमारी ऐप है जो हमने अपने शागिर्दों के लिए बनाई थी ताकि यहाँ पर डेटा उनको पहले से मिल जाए, जहाँ जहाँ से कारोबार करना मुमकिन है वो ऐसे उनको ईमेल एड्रेस और कुछ और चीज़ें मिलती रहें। मैं यहाँ पर लॉगिन करूँ अगर, और लॉगिन करने के बाद अगर आपके पास इसके क्रेडिट्स हों यानी कि ये इसकी पेड सर्विस है, आप चाहें तो खुद अपनी सर्विस बनाना इसमें आप यहाँ पे शुरू कर लीजिए मैनेज GBP क्लाइंट्स में, आप यहाँ पे चाहे पुट कर लीजिए जिन साइट्स को आप आउटरीच करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये साइट है तो मैंने ये साइट पकड़ी और अपने पास यहाँ पर नोट कर ली, ये देखिए मैंने किया एड न्यू क्लाइंट साइट, और ये जो साइट है इसका मैंने डोमेन ऐड किया, इसका मैंने बाकी कौन सी साइट थी, वेब डिजाइनर थे या किस तरह थे, मार्केटिंग एजेंसी थी क्या थी, तो मैंने इनको ऐसे किया, इनका एड्रेस वगैरह बाकी चीज़ें इनकी पुट की, तो इसमें भी आप इनकी लगा दीजिएगा कैटेगरी। तो लगा कि इसको आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास ऐड हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ये देखिए सॉरी यहाँ पे जी बाबर ऐप में आप जब मैनेज GBP क्लाइंट्स में जाते हैं तो जो आपने खुद से इस तरह का डाटा पुट किया होगा वो यहाँ पे नजर आएगा क्लाइंट्स का, आप खुद से कलेक्ट करते हैं। अगर आप फर्ज किया कलेक्ट ना कर सकें तो यहाँ पे देखिए आपको क्रेडिट्स चाहिए, अगर ये क्रेडिट्स हैं आपके पास ऐसे आप बाय कर लीजिए, वरना यहाँ पे फ़ोन नंबर दिए गए हैं इन नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और उनसे क्रेडिट्स बाय कर लीजिएगा। अगर आप बाय कर चुके हैं और यहाँ पे ऐसे नज़र आते हों तो फिर यहाँ देखिएगा आप डाटा बैंक में जाएं और यहाँ पे 26,308 वेबसाइट्स हैं जो हमने यहाँ पे एंटर की हैं, डाटा हमने बहुत बड़ा कलेक्ट किया लेकिन अभी स्टिल को
आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस करके वेरीफाई करके इसमें डाला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप क्लाइंट सर्च करना चाहते हैं तो कैसे करें, आपने यहाँ से एफिलिएट मार्केटर वाली साइटें या दूसरी जो मार्केटिंग एजेंसीज हैं आप करना चाहते हैं तो खाली कोई फिल्टर लगा के फिल्टर रिजल्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये तो मेरे पास पहले से हैं, अगर मैं इनका डाटा भी अपने अकाउंट में लेके आना चाहूँ, अकाउंट से मुराद है ये डाटा बैंक है जहाँ पे वेबसाइट का पूरा नेम और उनके ईमेल एड्रेस नज़र नहीं आते, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो ये नज़र आते हैं। ये देखिए कैसे लेके आते हैं, यहाँ पे आपने जिस जिस साइट को चुना उनका डीआर देखें, उनकी बाकी चीज़ें देखें, उनको चुना, उनको ऐड कर दिया तो ऐड हो गया कार्ट में। आगे चलिए, जिसका डीआर कम होगा मैं उसको ऐड करूँगा, आगे चलिए और किसी का डीआर कम, ये मैंने इसको भी ऐड कर दिया, मैंने इसको भी ऐड कर दिया। अब देखिए मेरे पास चार वेबसाइट्स मैंने इसमें ऐड कर ली, तो अगर मैं अब यहाँ पे जाऊँ यहाँ पे तो मुझे वो चार वेबसाइट्स नज़र आती हैं लेकिन उनका डाटा उनका अच्छे अंदाज से नज़र नहीं आता। अब देखिए मैं सिर्फ ये करता हूँ इम्पोर्ट डाटा टू माई अकाउंट, डाटा यहाँ पर आ गया। अब देखिए ये डाटा यहाँ पे नजर आएगा, आपके अकाउंट में प्रॉपरली नजर आ रहा है और इसमें ये जिनका ईमेल एड्रेस होगा वो नजर भी आता है। अब इस तरह से देखिएगा कि आप जो एफिलिएट साइट्स हैं इनके नाम पते निकाल लेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको ईमेल करना शुरू करेंगे। अच्छा, अब आपने जो इन क्लाइंट्स को आउटरीच करना है तो इसका मैकेनिज्म देखिएगा। कई लोग ऐसा करते हैं कि इस तरह से मार्केटिंग मैसेज करते हैं, मैंने पिछले जो लेक्चर्स थे वहाँ पे एक ये अंदाज दिखाया था कि अगर आप अपनी क्लाइंट्स को इस तरह के मैसेज करें, ये वाला मैसेज, तो इस मैसेज से आहिस्ता आहिस्ता शायद वो क्लाइंट्स आपके राज़ी हों और आपसे बातचीत करने काम के हवाले से कोई काम शायद दे दें आपको। ये मैसेज आप स्क्रीन को रोक के पढ़ लीजिएगा, लेकिन हुआ ये कि जैसे ही मैंने ये मैसेज यहाँ पे अपने पिछले लेक्चर में दिखाया तो कई शागिर्दों ने इन्हीं लेक्चर्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अब देखिएगा कि इन्होंने यहाँ पे कई ईमेल एड्रेसेस को सेंड किया हुआ है यहाँ पे, और लोगों के कमेंट्स चेक कीजिएगा मेल में, ही इज़ जस्ट स्पैमिंग, जस्ट स्पैमिंग, लुक एट द नंबर, एट लीस्ट लर्न अबाउट BCC एंड CC बिफोर डूइंग सच एन ईमेल कैंपेन। ठीक है, लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं जिस भी दोस्त ने किया है, आपको ऐसा नहीं करना। आपको करना होगा तो आपने BCC में ऐड करना है, लेकिन बहुत सारी ईमेल्स पे ना कीजिए, बारी बारी एक एक ईमेल सेंड कीजिए हर एक क्लाइंट को। अब देखिए दूसरी बात ये होती है, क्लाइंट्स आपको चूंकि जानते नहीं होते शुरू में तो वो आपकी ईमेल्स का रिस्पॉन्स नहीं देते आपको, वो अजनबी होते हैं आपके लिए और आप उनके लिए, लिहाजा वो आपको आपसे सर्विसेज बाय नहीं करते। आपको चाहिए क्या कि आप सबसे पहले इन क्लाइंट्स से दोस्ती करें। ये देखिएगा ये ईमेल टेम्पलेट्स को एज इट इज इस्तेमाल ना कीजिएगा ताकि आप भी ऐसे मजाक का निशाना ना बने। तो आपको चाहिए कि यहाँ पे देखिए ये मेरा एक ईमेल सीक्वेंस था जो मैं इस्तेमाल कर रहा था और मैं आपको उसका रिजल्ट भी दिखाता हूँ सिर्फ एक ईमेल खोल के। मेरे पास तो बहुत सारी ईमेल्स के उनके जवाब आ चुके हैं। क्लाइंट से जवाब लेने के तरीके ये होते हैं, आप उनको हर एक क्लाइंट को खुद से ईमेल लिख के ऐसे सेंड करें और हर एक को पूरा वक्त दीजिए। आपको शायद काफ़ी सारी ईमेल्स करनी पड़ेंगी लेकिन जवाब आपको आहिस्ता आएंगे। लेकिन शुरू में कोशिश कीजिए क्लाइंट को अपनी सर्विस सेल ना कीजिए, आप उनसे दोस्ती कीजिए। ये देखिए दोस्ती का तरीकाकार जो है, मैंने पहले जो ईमेल की तो पहली ईमेल में उसको जस्ट मैंने इंट्रोड्यूस करवाया कि मैं फलां फलां काम करता हूँ। ठीक है, अगली बात, अगर उसने मुझे 3 दिन तक जवाब नहीं दिया मैं दोबारा से उसे मेल सेंड करता हूँ ये वाली थैंक्स वैंक। अच्छा, ये थी जब उसने जवाब दे दिया हो तो फिर मैं उसे ये जवाब दूंगा। अगर उसने मुझे पॉजिटिव जवाब दिया तो मैं उसे ये जवाब दूंगा थैंक्स फ्रैंक या उसका नाम, दैट हेल्प्स अलॉट, माय स्काइप एंड वेबसाइट व्हाट्सएप नंबर या व्हाट्सएप डिटेल्स आर इन माय सिग्नेचर्स फ्लां फ्लां, या आइंदा मेरे से रब्ता करते रहो। तो अगर तो उसने पहली ही बार मेरी ईमेल पे दोस्ती का जवाब दोस्ती से दिया तो फिर ये देखें कि हम उसको कहते हैं थैंक यू सो मच, आपस में व्हाट्सएप और बाकी नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, फिर आज तक रब्ते में रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसको अपनी सर्विस सेल करना शुरू करते हैं। अगर उसने आपको जवाब ना दिया तो आप दूसरी उसको मेल करते हैं फॉलो अप ईमेल, हे बड़ी इट्स जस्ट फॉलो अप ईमेल, मे बी यू हैवंट रेड माई प्रीवियस ईमेल, तो आप उसे कहते हैं शायद तुमने ईमेल नहीं मेरी पढ़ी तो मैं दोबारा मैं इनका रिमाइंडर दे दूँ।
अगर फर्ज किया उसने फिर भी उसने जवाब ना दिया तो फिर भी आपको चाहिए कि एक बार और ट्राई करें, तो वो और ट्राई भी दिखाता हूँ आपको कैसे होती है। कई बार ऐसा होता है कि आप एक बार ईमेल करते हैं तो आपको लोग जवाब नहीं देते, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। आप उनको तीन तीन दिन के बाद दोबारा से रब्ता करेंगे, आपको इंशाल्लाह जवाब देंगे। अच्छा, आपको क्या करना है कि जो ईमेल्स करनी है वो देखिए, ये मैंने सेम ईमेल की थी जो आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है। मैंने ये कंपेन असल में कोई दो चार माह पहले शुरू की थी एक केस स्टडी के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं टाइम बाकी ना निकाल सका तो केस स्टडी मुकम्मल ना कर सका। लेकिन यहाँ पे दिखाता हूँ, ये सेम ईमेल्स मैंने की थी। सब्जेक्ट लाइन देखिएगा, ट्राइंग टू कनेक्ट द ऑनर ऑफ फलां फलां, मैंने ये लाइन लिखी ताकि बेचने के लिए तो सारे लोग लाइनें लिखते हैं ईमेल के सब्जेक्ट में, तो वो उसको साइट के ऑनर पढ़ते भी नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखें उनको दोस्ती क्या हवाला दें पहले कि भाई दोस्ती करनी है आपसे, फिर देखें क्या होता है। आप देखिए यहाँ पे ना आपने उसको इस तरह से ईमेल लिखी और जिसको ईमेल लिखेंगे उसकी साइट यहाँ पे लिख के भेजें। लेकिन फिर बता रहा हूँ कि इस ईमेल टेम्पलेट को कॉपी ना कीजिएगा, इससे मुतासर होकर अपने अंदाज से लिखिए, वरना लोग वहाँ मजाक उड़ाएंगे आपका भी। तो आपने इस तरह से अगर ईमेल लिखी उसको सेंड की, उसने जवाब नहीं दिया, देखिएगा 26 मई को हमने इसको ईमेल की थी, दोबारा इसको हमने मेल की, इट्स जस्ट ए फॉलो अप ईमेल, ये देखें 30 मई को। इसके बाद तीसरी बार उसे मेल की जून 8 को हमने इसकी मेल की, तो यहां पे इसने जवाब नहीं दिया। लेकिन 8 जून के बाद, हाँ जी, इसके बाद इसका जवाब आ गया था। यहां पे कहता है, हाय ब्रेंड, सॉरी फॉर द लेट रिप्लाई, आई एम ग्लैड टू हियर फ्रॉम यू, कैन यू प्लीज शेयर बिट मोर अबाउट यू एंड हाउ वी कैन कोलेबरेट ईच अदर। अच्छा, इंग्लिश थोड़ी सी खराब है। लेकिन दोबारा फिर मुझे उसने खुद से उसने मेल की, ये देखें 13 जुलाई को उसने मेल की, जबकि मैं उसको जवाब तक नहीं दे सका, कहीं और कई वेंचर्स में मसरूफ था। ये देखिए स्टिल वो चाह रहा है कि मैं दोस्ती करूं और दोस्ती करके आपस में नॉलेज शेयरिंग करूं। अब देखिएगा, जब दोस्त बन जाए कोई आप में, आपके साथ कोई ऐसा एफिलिएट मार्केटर दोस्त बन जाए, फिर आप ये काम कीजिए, उसको इस तरह की ईमेल लिख के कुछ सेंड कीजिए। ये ईमेल आप चाहें पढ़ना चाहें तो इसको वीडियो को रोक के यहाँ पे लेक्चर को ये पढ़ लीजिएगा, अपने अंदाज से इसको लिख के भेजिए। इसमें मैं उसे कहता हूँ कि भाई मैं उसे ना सेल नहीं कर रहा, क्लाइंट को मैं सेल नहीं कर रहा, मैं उसे अभी भी दोस्ती के चक्कर में हूँ। इस ईमेल तक भी उसे मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास पता कि कंपटीशन बड़ा टफ था, तो मैंने तो कई जो मेरे जो कंपेटिटर्स हैं उन्होंने तो बहुत पैसा खर्च किया, गेस्ट पोस्टिंग लगवाई, बैकलिस्ट लगाए, अथॉरिटी बिल्ड की, रैंक कर लिया और बैंक कर लिया उसको, तो मेरे पास पैसे कम थे, मैं इतना बड़ा सरमाया किसी और टीम पर खर्च नहीं कर सका, लिहाजा मैंने ये काम किया कि अपने पास छोटी सी टीम एक बनाई, उनको कहा आउटरीच करो ताकि मैं कम से कम पैसों में गैस पोस्टर लगवा सकूं, किसी और से ना लगवाऊं। इस तरह से मैंने काम किया, तो इसके बाद मैंने बहुत सारे गैस पोस्टर लगवाई हैं, रैंक भी किया, बाकी सारे काम किए। तुम लोग कैसे करते हो? तो इससे उनको नजर आता है कि ये बंदा सेल नहीं कर रहा कुछ भी, ये बंदा जो है अपना नॉलेज शेयरिंग ही कर रहा है। और इसमें से आहिस्ता आहिस्ता कई लोग जो है ना आपसे कहेंगे, भाई तुम्हारे पास तो आउटरीच पहले से है, अगर तुम मेरी भी थोड़ी सी हेल्प कर दो। आप वरना खुद से कल को उनको ईमेल करें, चौथी ईमेल या पांचवी ईमेल, जिसमें आप लिखेंगे कि मेरे कुछ और दोस्त हैं जिन्होंने मेरी जब ये स्टोरी सुनी कि मैंने कुछ लोग वीए हायर करके ऐसे काम किया था, वो सारी स्टोरी यहाँ पे लिखी गई है, यहाँ पे ये वाली। जब ये स्टोरी सुनी तो कई दोस्त जो आपकी तरह अफिलिएट मार्केटर्स, आपकी तरह मेरे नए दोस्त बने थे, उन दोस्तों ने मुझे कहा यार मेरी गैस पोस्टर लगवा दे, तो मैंने उनकी हेल्प की है, तो मेरे पास अब मजीद स्पॉट है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी गैस पोस्टिंग कर सकता हूँ ताकि अथॉरिटी लिंक्स वगैरह बनाए जा सकें। लिहाजा 4 से 5 ईमेल्स के बाद जाके इसको हम कोई चीज़ सेल करेंगे, और बड़ी सॉफ्टली, ताकि तब तक जो वो एफिलिएट मार्केटर है या डिजिटल एजेंसी है वो उसकी आपके साथ अजनबीयत भी ख़त्म हो चुकी हो, ताकि आप पे इत्माद थोड़ा सा उसका बढ़ चुका हो। इस दौरान में आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला थोड़ा सा नॉलेज उससे ना शेयर करते रहें। नॉलेज कौन सा शेयर करें? वो कई बार आपको सवालात करते हैं, तो छोटा मोटा उसका जवाब नेट से सर्च किया, वो जवाब उसको सेंड कर दिया, ताकि आपकी थोड़ी सी अथॉरिटी बिल्ड होती रही, ट्रस्ट बिल्ड होता रहे कि आप उस काम को जानते हैं। मुझे यहाँ पे ना जब मैंने ईमेल्स करनी शुरू की तो बेशुमार ईमेल्स की थी,
इनमें मुझे बहुत ही सारे रिजल्ट मिले। अक्सरियत में जो लोग थे वो लोग मुझे कहते थे हम 9 to 5 जॉब से बाहर आना चाहते हैं, अपनी जॉब छोड़ के मुकम्मल तौर पर अफिलिएट मार्केटिंग ही करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा मैं तो कर रहा हूँ 7-8 साल से। वो बड़े इंप्रेस थे इस बात से, तो उन्होंने मुझसे इसलिए बातचीत करते रहे कि हम भी इससे सीखें कि ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकें और हम भी अपनी 9 to 5 जॉब से बाहर आ सकें। दोस्तों ये था पूरा इसका सिस्टम जो आपने बिल्ड करना है। गूगल से सर्च करते करते आहिस्ता आहिस्ता आपने क्लाइंट से रब्ता करते करते आपने उनको कन्विंस करना है कि आपके पास आ जाएं और आपसे डील करें। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो कई जो क्लाइंट्स हैं वो आपको टेन्योर के ऊपर भी पे कर देंगे। वो ट्रस्ट जब बिल्ड हो जाता है फिर वो जहाँ पे आप चाहेंगे इंशाल्लाह वहाँ पे आपको पे करने को तैयार हो जाएंगे। जो बड़ा मसला पेपाल का है इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। उम्मीद है आप दोस्तों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा। आपके एक बार शेयर करने से शायद कई और लोगों का फ़ायदा हो जाए। अल्लाह ताला दोस्तों आपका हामी नसर हो। अल्लाह हाफिज़।